इटावा के बरलई थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की के माता पिता अपने रिश्तेदारों से मिलने गए थे, तभी पीड़िता को अकेला पाकर आरोपी घर में घुस गया। इसी दौरान आरोपी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जब पीड़िता ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और रेप की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया। जब परिजन वापस लौटे तो उन्हें घटना के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने बताया कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। साफ मामला जो हुआ, हमारी भाभी जो हमें बुलाने के लिए आई तो मैंने घर पर जाके देखा तो लड़की बेहोश मिली गई, कपड़े लत्ते उसके जो जहाँ हैं तही मिले उसे उसने ही था। क्या उम्र हुई बच्ची तुम्हारी? 16 साल की। आप घर पे थे कि नहीं थे? नहीं। कहाँ गई थी? मतलब घर से बाहर थोड़ा दूर पड़ता घर मेरा। हम घर पे नहीं थे, हम रिश्तेदारी में गए थे नवेंद्र खान। तो बिटिया वहीं अकेली थी, रात के 10 बजे तब आए लो आए के मोहल्ला के लड़का ने। अकेले में जब हम आए लौट गए शाम के 5-6 बजे पे, तब हमको बताई बिटिया ने, हम मोहल्ला में जा सुना बताई कि मम्मी हमारी घर पे नहीं ना मोहल्ला में, फिर कहाँ कहें जैसे उन्होंने नहीं बताई था, हमें बताई थी, हमने अपने घर वालों से कही, पापा भी दिया गया ना है तो घर वालों से कही, तो हमारे घर वालों ने कही तुम बता हम शो करें खून पसीना लगाए रहे चलो। हमने क्या हमारे तो आदमी ना जो समझो तुम तो कर दे इज्जत से कसा वाला, इज्जत अब इज्जती हो ही गई तो कहे के लेने छोड़ो जवाब घर पर नहीं थे बच्चे हमारे। आपने पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी है क्या? हाँ, सब पुलिस को सूचना दी है, 100 नंबर वाली घर पे बुलाई है, 100 नंबर वाली लेके आई। हालांकि पीड़िता का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, डॉक्टर का कहना है कि उसकी हालत में सुधार है। पुलिस लेके आई थी 16 साल की लड़की को, आधी बेहोशी की हालत में थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, पल्स बीपी बहुत कम था उसका, ब्लीड कर रही थी, नीचे से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसको मेडिकल किया, सारे एग्जामिन किए, उसको ट्रीटमेंट अंदर किया, अभी एडमिट कर लिया है, उसका मेडिकल हुआ है, सारे सैंपल लेके भेज दिए हैं, पेशेंट ठीक है, अभी कंट्रोल हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला कितना देखने से तो रेप लग रहा है। वही मामले में एसएसपी का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर प्राइवेट में भी लोगों को निकाल कर कोशिश करेंगे कि अच्छा माहौल बने जिससे महिलाएं इसलिए सुरक्षित महसूस करें, महिला संबंधी जो क्राइम अपराध है उसमें हम प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। यही दुष्कर्म का मामला आया है, उसमें हम लोगों ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, हम लोग चेक किया। अमूमन ऐसा देखा गया लोग, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ कार्यालय पर या वैसे फोन पर, यदि कोई पीड़ित है उसके साथ शिकायत नहीं की जा रही, उसकी नहीं की जा रही, हम सीनियर अधिकारियों से उसकी जांच कराएंगे और यदि प्राथमिक आधार पर लापरवाही मिलने पर हम लोग उसमें पुलिस संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।